बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? रौफ़ अज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अज़ीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल अज़ीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिल सके। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, आज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर पेशरफ्त हुई है और ज़्यादा पेशरफ्त ओमानियों के लिए हुई है और खारजियों के हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हुई है। और वो पेशरफ्त ये हुई है कि कुछ वीज़ों की जो फीस है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ओमान के अंदर बढ़ा दी गई है। उसकी पूरी तफसीलात क्या है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप लोग दे सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन के अंदर बताया गया है कि जो हाई लेवल के वीज़े होते हैं उनकी फ़ीस जो है 2001 ओमानी रियाल कर दी गई है। इसके अलावा जो हाई लेवल के जो मीडियम प्रोफेशन हैं उनकी फ़ीस 1001 रियाल ओमानी कर दी गई है। इसके अलावा जो टेक्निकल वीज़े हैं, जो मुलाजमत है ओमान के अंदर, उनकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो 601 रियाल कर दी गई है। इसके अलावा जो फिशरमैन, जो मायगीर के जो वीज़े वगैरह होते हैं उनकी फ़ीस ओमान के अंदर 361 रियाल कर दी गई है। इसके अलावा जो घरेलू मुलाजमीन जो कि खदामा होगी, कुक होगी, ड्राइवर वगैरह जो घर के होगी, उनकी फ़ीस 141 रियाल ही है। इसके अलावा कुछ और घरेलू मुलाजमीन जो कि स्पेशल होते हैं उनकी फ़ीस 241 रियाल कर दी गई है। अगर एक ओमानी अपने घर के अंदर 3 से ज़्यादा मुलाजम रखेगा तो जो चौथा मुलाजम होगा उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो कि किसानों के वीज़े ओमान के अंदर, जैसे मरबी एबल कह लें, जो ऊँटों वाले वीज़े हो गए या खेतों वाले वीज़े हो गए, मजरों वाले वीज़े हो गए, उनकी फ़ीस 201 रियाल ही है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि अगर आप लोग अपने वीज़ा के मायने वगैरह चेंज करवाते तो उसकी फ़ीस 5 रियाल ओमानी होगी। तो ये तमाम न्यू जो है कैटेगरी बनाई गई है वीज़ों के मुतल्लिक। और इसमें जो दूसरे प्रोफेशन आते हैं उनकी सेम फीस है 301 रियाली। और ये तमाम जो आज स्टेट में शाया की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।